नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ग्लोबल वेब टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इंदौर का होलकर स्टेडियम, जहाँ की मैं खड़ा हूँ, यहाँ कल ठीक शाम 6 बजे, जो कि अभी बज रहे हैं, यानी 24 घंटे बाद टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। पहला T20 मुकाबला क्यूरेटर की गलती के कारण नहीं हो सका था, जबकि बारिश रुक गई थी गुवाहाटी में। बहरहाल, इंदौर का मौसम साफ है, जो कि मौसम विभाग का दावा है, लेकिन ड्यू फैक्टर जो कि भारतीय क्रिकेट मैदानों पर, खासकर एशिया में, एक बड़ी समस्या है, वो बना रहेगा। लेकिन अभी जो ताज़ा खबर ये है कि आप मेरे पीछे पुलिस की बड़ी टुकड़ी को देख रहे होंगे। इंदौर के लगभग सभी थानों के जवानों को बुलाया गया है, इनकी एक बैठक शासकीय स्वामी विवेकानंद स्कूल में ली गई, जो कि 2 घंटे से चल रही थी मेरे ठीक पीछे। अभी अभी मैच रेफरी डेविड वून आए हैं, जिन्होंने कि 1987 में रिलायंस वर्ल्ड कप के लीग मैच में न्यूजीलैंड को हराने में ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। वे आए, उन्होंने विकेट को देखा। स्थानीय नितिन मेनन भी यहां पहुंचे हैं, जो कि तीसरे एम्पायर की भूमिका में। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, यहाँ पुलिस कंपनियों से 20 घोड़े लाए गए हैं, जो स्टेडियम के दोनों ओर, क्योंकि स्टेडियम में चारों ओर घूमने फिरने की व्यवस्था नहीं है, वे तैनात रहेंगे, यातायात पुलिस रहेगी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ निजी सुरक्षा जवानों को भी बुलाया है, जबकि सुरक्षा की अन्य एजेंसियाँ भी यहाँ तैनात रहेंगी। जैसा कि होलकर स्टेडियम का इतिहास रहा है, यहाँ बीते कई मैच सफलतापूर्ण संपन्न हुए हैं, और उसको पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद।